दोस्तों, स्पेस वेदा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि JWST के सक्रिय होने के बाद एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी तेज हुई है। रोज अनेक एक्सोप्लैनेट इंसान के सामने आ रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST एक स्पेस टेलीस्कोप है जो वर्तमान में इंफ्रारेड खगोल विज्ञान का संचालन कर रहा है। अंतरिक्ष में सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में यह उच्च रिजोल्यूशन और उच्च संवेदनशीलता वाले उपकरणों से सुसज्जित है, जो इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए बहुत पुरानी, दूर या धुंधली वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है। यह खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के कई क्षेत्रों में जांच को सक्षम बनाता है, जैसे कि पहले सितारों का अवलोकन, पहली आकाशगंगाओं का निर्माण और संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट्स का विस्तृत वायुमंडलीय लक्षण का वर्णन। हाल ही में शोधकर्ताओं ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए एक एक्सोप्लैनेट की पुष्टि की, एक ऐसा ग्रह जो दूसरे तारे की परिक्रमा करता है। शोध दल का नेतृत्व केविन स्टीवेंसन और जैकब लुस्टिगेगर कर रहे हैं। दोनों जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी लॉरेल, मैरीलैंड में हैं। इस ग्रह का नाम LHS 475b है। औपचारिक रूप से LHS 475b के रूप में वर्गीकृत ग्रह लगभग हमारे आकार के समान है, जो पृथ्वी के व्यास के 99% पर है। यह एक चट्टानी दुनिया है जो ऑक्टेन के तारामंडल में लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करती है। जब खगोलविदों ने इस ग्रह की खोज की तो उन्हें लगा कि यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करने वाली एक साधारण दुनिया है। हालांकि इस ग्रह के वातावरण के विस्तृत विश्लेषण ने खगोलविदों को हैरान कर दिया है। उन्होंने ऐसा अनोखा वायुमंडलीय स्पेक्ट्रम वाला ग्रह कभी नहीं देखा था। तो वेब ने यह महत्वपूर्ण खोज कैसे की? टेलीस्कोप द्वारा पुष्टि की गई पृथ्वी के आकार के ग्रह के बारे में क्या खास है? अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, वेब ने इस दूर के एक्सोप्लैनेट के बारे में और क्या बताया? टीम ने नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट से रुचि के लक्ष्यों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने के बाद वेब के साथ इस लक्ष्य का निरीक्षण करना चुना, जिसने ग्रह के अस्तित्व का संकेत दिया। वेब ने केवल 2 पारगमन प्रेक्षणों के साथ ग्रह को आसानी से और स्पष्ट रूप से ग्रहण किया। इन वर्षों में टेस का प्राथमिक मिशन पृथ्वी के निकट चमकीले सितारों का सर्वेक्षण करना और उनके चारों ओर ग्रहों के पारगमन की तलाश करता रहा है। उपग्रह ने अपने विस्तृत क्षेत्र के कैमरों के साथ 85% आकाश का सर्वेक्षण किया है। टेस ने छोटे चट्टानी दुनिया से लेकर गैस दिग्गजों तक के ग्रहों की खोज की है। हालांकि नए ग्रहों को खोजने के अलावा उपग्रह के लक्ष्यों में से एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा आगे की पुष्टि और लक्षण वर्णन के लिए मुख्य लक्ष्यों की तलाश करना था। ऐसा ही एक संभावित लक्ष्य LHS 475b था। इसलिए खगोलविदों ने वेब का उपयोग करके इसकी विस्तार से जांच करने का निर्णय लिया। जब एक एक्सोप्लैनेट को अपने तारे को परिक्रमा करते पृथ्वी से देखा जाता है तो हम तारों की रोशनी में गिरावट देखते हैं। तारे के प्रकाश चक्र में इन उतार चढ़ाव का विश्लेषण करके किसी ग्रह की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसे ट्रांजिट विधि के रूप में जाना जाता है। यह एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। अधिकांश एक्सोप्लैनेट्स को अब तक पारगमन विधि का उपयोग करके खोजा गया है, और इस तरह टेस ने LHS 475b के अस्तित्व का अनुमान लगाया। यहाँ तक कि वेब ने भी ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए उसी दृष्टिकोण का उपयोग किया। वेब ने एक्सोप्लैनेट के 2 ट्रांजिट देखे हैं, जो इसके नियर स्पेस G395H ग्रेडिंग का उपयोग करते हैं। तारे के प्रकाश चक्र से पता चला कि ग्रह कुछ ही दिनों में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। चूंकि यह बहुत ही कम कक्षीय अवधि है, इसका अर्थ है कि LHS 475b सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में अपने तारे के अधिक निकट है। शोधकर्ताओं ने यह भी पुष्टि की कि ग्रह केवल 2 दिनों में एक कक्षा पूरी करता है। संदर्भ के लिए, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है।
हालांकि LHS 475 बी इस मामले में मेजबान तारा 1N3.5 मुख्य अनुक्रम बौना तारा है। ऐसे तारों की सतह का तापमान सूर्य के तापमान का लगभग आधा होता है। तो LHS 475 बी एक M टाइप तारा है जिसकी सतह का तापमान लगभग 3300 केल्विन है। इसके अलावा ग्रह अपने मेजबान तारे के साथ ज्वारीय रूप से बंद है। इसका मतलब है कि ग्रह का केवल एक पक्ष अपने तारे का सामना करता है। जब खगोलविदों ने इसके वातावरण का अध्ययन करने की कोशिश की तो चीजें हैरान हो गईं। वर्तमान में वे भी एकमात्र टेलीस्कोप है जो पृथ्वी के आकार के 100 प्लैनेट के वायुमंडल को चित्रित करने में सक्षम है। और यहीं पर वेब के अवलोकन और भी दिलचस्प हो जाते हैं। LHS 475 बी के वातावरण का विश्लेषण करने के लिए वेब ने इसके ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। लेकिन वह क्या है? हमने उल्लेख किया है कि जब कोई ग्रह अपने मेजबान तारे को पार करता है तो तारों का प्रकाश कम हो जाता है। लेकिन केवल यही एक महत्वपूर्ण बात नहीं है जो पारगमन के दौरान होती है। जैसे ही ग्रह अपने मूल तारे को पार करता है, तारों का प्रकाश संशोधित हो जाता है क्योंकि यह अपने वातावरण के माध्यम से फिल्टर करता है। तो परोक्ष रूप से प्रेषित प्रकाश में ग्रहों के वातावरण की संरचना के बारे में जानकारी होती है। खगोलविद फिर इस फिल्टर्ड स्टारलाइट की तुलना प्राकृतिक स्टारलाइट से करते हैं। 100 प्लैनेट के वातावरण का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने LHS 475 बी के संचरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। हालांकि उन्होंने अभी तक यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि वातावरण में क्या है। यह 100 प्लैनेट का ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम है। विभिन्न रंगीन रेखाएं विभिन्न वायुमंडलीय मॉडलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बैंगनी रेखा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण से मेल खाती है। हरी रेखा मीथेन रिच वातावरण को दर्शाती है और एक पीली रेखा बिना किसी वातावरण का संकेत देने वाला एक फीचर रहित स्पेक्ट्रम है। हरी रेखा द्वारा दर्शाई गई शुद्ध मीथेन वातावरण का पक्ष नहीं लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मीथेन मौजूद होता तो हमें स्पेक्ट्रम में 3-3 माइक्रोन पर तेज गिरावट दिखाई देती क्योंकि अणु वहां अधिक तारों का प्रकाश अवशोषित कर लेता। डेटा को फीचर रहित स्पेक्ट्रम के साथ सबसे अच्छा संगत पाया गया जिससे संकेत मिलता है कि ग्रह में बिल्कुल भी वातावरण नहीं हो सकता है। लेकिन एक मोड़ है। 100% कार्बन डाइऑक्साइड से बना वातावरण इतना सघन होता है कि इसका पता लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ है कि LHS 475 बी का वातावरण शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड होने की संभावना है। इसलिए अधिक सटीक मापन की आवश्यकता है। इसके अलावा वायुमंडलीय संरचना जाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से यह भी पता चला है कि यह ग्रह पृथ्वी से कुछ 100 डिग्री अधिक गर्म है। इसलिए यदि ग्रह पर बादलों का पता लगाया जाता है तो शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रह शुक्र की तरह अधिक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण है और यह घने बादलों में लगातार छाया रहता है। वेब इस गर्मी में आगामी अवलोकनों के साथ इस ग्रह के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निर्धारित है। पृथ्वी के आकार के चट्टानी ग्रह के ये प्राथमिक अवलोकन भविष्य में इसी तरह के 100 प्लैनेट्स का अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पहले 100 प्लैनेट की खोज की पुष्टि 1992 में हुई थी और पिछले 3 दशकों में नासा ने उनमें से 5000 से अधिक के अस्तित्व की पुष्टि की है। इनमें से कुछ ग्रहों में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो जैविक जीवन की मेजबानी कर सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हमारे पास उन ग्रहों का विस्तार से पता लगाने और अनुसंधान करने के लिए एक आदर्श उपकरण है। ग्रह विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान अगले स्तर तक पहुंच रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ और वेदों में वही सब पहले से मौजूद है जो आज विज्ञान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आज मानव सभ्यता को जरूरत है कि वह विज्ञान, ज्योतिष, वेदा, अंकगणित और क्वांटम फिजिक्स को डिकोड करके एक सही निष्कर्ष और फॉर्मूला बनाए।
यहां तक कि दशकों तक श्रद्धा से देखी जा रही बिग बैंग थ्योरी भी मल्टीवर्स, समय यात्रा और पैरेलल यूनिवर्स के संशोधन की रिसर्च के सामने अब संपूर्ण नहीं लगती। हम आने वाली वीडियोज के साथ यह सब यात्रा करेंगे, जिसमें स्पेस, वेदा, मल्टीवर्स, समय यात्रा, क्वांटम फिजिक्स की चर्चा की जाएगी और कमेंट के जरिए दर्शक भी अपना संशोधन सबको बता पाएंगे। 100 प्लैनेट्स के अलावा वेब ने सौर मंडल से लेकर तारकीय खगोल भौतिकी तक और बहिर्ग्रहों से लेकर आकाशगंगा संबंधी खगोल विज्ञान तक महत्वपूर्ण खोजें की हैं। पृथ्वी के आकार, चट्टानी ग्रह से ये पहले अवलोकन संबंधी परिणाम वेब के साथ चट्टानी ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भविष्य की कई संभावनाओं का द्वार खोला है। वेब हमें हमारे सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसी दुनिया की एक नई समझ के करीब और करीब ला रहा है और मिशन अभी शुरू हो रहा है। सभी ऑपरेटिंग टेलीस्कोपों के बीच केवल वेब ही पृथ्वी के आकार के 100 प्लैनेट्स के वायुमंडल को चिन्हित करने में सक्षम है। टीम ने इसका विश्लेषण करके यह आकलन करने का प्रयास किया कि ग्रह के वातावरण में क्या है। संचरण स्पेक्ट्रम। हालांकि डेटा से पता चलता है कि यह पृथ्वी के आकार का एक स्थलीय ग्रह है, वे अभी तक नहीं जानते हैं कि इसका वातावरण है या नहीं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के एरिन मे ने कहा, वेधशाला के डेटा सुंदर हैं। टेलीस्कोप इतना संवेदनशील है कि यह आसानी से अणुओं की एक श्रृंखला का पता लगा सकता है, लेकिन हम अभी तक ग्रह के वातावरण के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि टीम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है कि क्या मौजूद है, वे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं। लुस्टिगेगर ने समझाया, कुछ स्थलीय प्रकार के वायुमंडल हैं जिन्हें हम रद्द कर सकते हैं। इसमें शनि के चंद्रमा टाइटन के समान मोटा मीथेन प्रभुत्व वाला वातावरण नहीं हो सकता है। टीम यह भी नोट करती है कि हालांकि यह संभव है कि ग्रह का कोई वातावरण नहीं है, कुछ वायुमंडलीय रचनाएं हैं जिन्हें खारिज नहीं किया गया है, जैसे कि शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण। लस्टिगेगर ने कहा, प्रतिरोधात्मक रूप से 100% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण इतना अधिक कॉम्पैक्ट है कि इसका पता लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। टीम के लिए शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को बिल्कुल भी वातावरण से अलग करने के लिए और भी सटीक माप की आवश्यकता नहीं है। शोधकर्ता इस गर्मी में आगामी अवलोकनों के साथ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निर्धारित हैं। वेब ने यह भी खुलासा किया कि ग्रह पृथ्वी की तुलना में कुछ 100 डिग्री अधिक गर्म है, इसलिए यदि बादलों का पता लगाया जाता है तो यह शोधकर्ताओं को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है कि ग्रह शुक्र की तरह है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण है और घने बादलों में हमेशा डूबा रहता है। लुस्टिगेगर ने कहा, हम छोटे चट्टानी 100 प्लैनेट्स का अध्ययन करने में सबसे आगे हैं। हमने मुश्किल से सतह को खंगालना शुरू किया है कि उनका वातावरण कैसा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पुष्टि की कि ग्रह केवल 2 दिनों में एक कक्षा पूरी करता है। वह जानकारी जो वेब के द्वारा लगभग तुरंत प्रकट की गई थी। हालांकि LHS 475 भी हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में अपने तारे के ज्यादा करीब है, लेकिन इसका लाल बौना तारा सूर्य के तापमान के आधे से भी कम है, इसलिए शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसमें अभी भी एक वातावरण हो सकता है। 41 प्रकाश वर्ष मतलब लगभग 388 ट्रिलियन किलोमीटर। आज के मौजूदा संसाधनों से लगभग 7.5 मिलियन साल तक सफर करके इंसान इस प्लेनेट पर पहुंच सकता है। हो सकता है कि यहां हमसे भी विकसित सभ्यता मौजूद हो, लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है, 2 ग्रहों के बीच का अंतर इतना विशाल है के ट्रेडिशन तरीके से तो 2 परग्रहीय जैविक सभ्यताओं का मिलना आज तो नामुमकिन लगता है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।